हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्ज़ाम बेसिक मैथमेटिक्स का आज हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे बेटा, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं, दो दो नंबर के, टोटल 10 मार्क्स। तो 21st क्वेश्चन है हमारे पास। एक रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः बिंदु एस और एन पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, कट करती है। यदि एक बिंदु 2-3 रेखाखंड एस एन का मध्य बिंदु है, तो आपने दो एक्सिस बना लिए। अब एक लाइन ऐसी है जो कि 2-3 जिसका मिड पॉइंट है, 2-3, तो 2-3 हमारे पास ऑलमोस्ट इधर आएगा, जो कि इस दी गई लाइन का मध्य बिंदु है। और ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट रही है, एस पर। क्रमशः या रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले एक्स एक्सिस पर एस पर और फिर एन पर काट रही है वाई एक्सिस को। तो एस को, जब ये एस पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, इसका वाई पॉइंट 0 होगा, है ना। तो इसके पॉइंट्स हमारे पास होंगे x0, और ऐसे ही वाई एक्सिस पर एन पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0y x, इसका 0 होगा। अब मेरे को दो पॉइंट्स भी मिल गए और उसका मध्य बिंदु भी मिल गया। अब हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के एक्स और वाई की वैल्यू बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट जब आप बनाएंगे, x+0/2 बराबर होगा 2 के, है ना। ऐसे ही लिख लेते हैं इसे, x+0 इसमें और इसमें आपने मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया, तो पहला x पॉइंट आपका मिल गया 2 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे, x=4, तो y का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 4-0। ऐसे वाई में लगाएंगे अब की बार, y+0/2 बराबर है -3 के। तो इसको सॉल्व करके वाई आ गया -6, यानी कि एन का पॉइंट हमारा बन गया 0-6। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके शून्यांक बताने हैं। तो सबसे पहले ABC लिख लिए, A1 है, B-5 है और C हमारा ये पूरा है, -k × k-5। अब मुझे दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको जमा या घटा करने पर -5 आए, और गुणा करने पर ये दोनों टर्म्स आ जाएं, एक k और k-5। तो इन्हीं को अलग अलग करके देखोगे आप, तो k से k कैंसिल हो जाएगा। जब मैं -k में ये पूरी टर्म जमा करूँगी, तो -k + k 0 हो जाएगा, और -, हमारे पास सिर्फ ये -5 बचेगा। तो बिल्कुल ईजीली हमें फैक्टर भी क्वेश्चंस में ही दिए गए हैं, देखिए इधर। तो हमने -5 को अब हटा देना है, उसकी जगह हमने लिखना है -k × x, और दूसरे फैक्टर के साथ भी x लगाते हैं, आपको पता ही है। और थर्ड जो हमारा c पॉइंट होता है, वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब दो दो के पेयर बना लेंगे, इसमें से देखिए इधर भी k-5 है, इधर भी k-5, तो कॉमन निकल गया। अंदर बचा x इधर से और -k इधर से। अब इसमें से x कॉमन निकालेंगे, अंदर बचा x-k। अब देखो x-k दोनों जगह हमारा ये फैक्टर कॉमन आना चाहिए था ना, तो वो आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है यहाँ तक। अब x-k कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा x इधर से और k-5 इधर से। अब इन जीरोस निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के बराबर कर देते हैं। x-k 0, यानी कि x=k, और x+k-5 = 0, यानी कि x = -k+5। दिस इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ चॉइस में, यदि अल्फ़ा बीटा इसके शून्यांक हैं, जीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के, तो α² + β² बताइए। कितना इजी पॉलिनोमियल हमें यहाँ दिया गया है, इसके फैक्टर तो आप देखते साथ ही कर सकते हैं, x+5 × x+2, क्योंकि गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जमा करने पर 7 आना चाहिए। दो दो के पेयरिंग करेंगे आप, ये सब हमें आता ही है, x+5 × x+2। तो जीरोस बन गए -5 और -2। जीरोस का नाम उसने दिया है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा आ गया -5, बीटा आ गया -2। अब हमसे सिर्फ ये पूछा गया बेटा, α² + β² बताइए। तो जो दोनों आपने आंसर निकाले, इनका स्क्वेयर कर देना है सिंपली, और फिर ऐड कर देना है। कोई अदर्स फॉर्मूला यूज़ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। सो इट इज़ 25 + 4, आंसर इज़ 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचा गया है। एक स्क्वायर बना लिया, इसके अंदर एक आपने वृत्त बना लिया सर्कल। अब ये सर्कल का डायामीटर उतना ही होगा जितनी इस स्क्वायर की साइड होगी, है ना।
तो हमारा डायमीटर हमें पता चल गया 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस इसकी आधी हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, पाई आर स्क्वायर इंटू 7। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24th क्वेश्चन है, वैल्यूज रखनी है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन 30 इज 1/2, टेन 45 माइनस कोसेकेंड 60। अब देखो ये बन गया 3/2 माइनस 2/√3, ऐसे ये बन गया 3/2 प्लस 2/√3। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रेश एलसीएम लिया आपने 2√3, रूट थ्री इधर चला गया, माइनस 2 बचा। ऐसे नीचे भी 2√3 एलसीएम आएगा जो कि ऊपर वाले एलसीएम से कट जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आ गया 3√3 - 4, 3√3 + 4। आप चाहें तो अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको आगे रैशनलाइज करेंगे। तो हमें जो प्लस होता है नीचे तो माइनस से गुणा करना पड़ता है ना, गुणा और भाग करोगे तो ऊपर स्क्वायर बन गया और नीचे a² - b² का फॉर्मूला लग के हमें मिला 3√3 - 4² ऊपर इसका स्क्वायर है, और नीचे जब आपने 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 27, 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर भी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a² + b² - 2ab, तो 2 × 4 = 8, 8³ = 24√3। ये सब चीज़ें आपको टिप्स पर होनी चाहिए। आंसर फाइनल हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस में है, वेरी इजी, बुक का ही क्वेश्चन है ये। 5 tan θ = 3, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सारे को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, जिससे पूरा ही क्वेश्चन मुझे tan थीटा में मिल जाता है। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, cos थीटा से डिवाइड किया सब जगह, है ना। तो 5 sin θ / cos θ + 4 cos θ / cos θ। अब जहाँ साइन और cos दोनों आ रहे हैं वो तो tan थीटा बन गया, और जहाँ ये cos/cos आ गया ये कट गया, खाली 4 रह गया। ऐसे नीचे भी 5 tan θ + 4। अब 5 tan θ की वैल्यू आपको पता है 3 है ऑलरेडी। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा ये, 3 - 4, 3 + 4, आंसर इज -1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी का वह वैल्यू बताइए जिसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन है। सिंपल, क्या कंडीशन होती है इसकी, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अब a1 क्या है, 1, और a2 क्या है, 3, ध्यान से देख के बस लिखना ही है। b1 क्या है, -p, नॉट इक्वल का साइन आएगा बीच में, -p, और b2 क्या है, 2, -p/2 सॉल्व कर लेना है। p शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3 विद माइनस साइन, p -2/3 नहीं होना चाहिए। दिस इज़ आवर आंसर। तो यहाँ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाता है बेटा। Keep on learning, stay blessed.